आगरा के बाद अब कानपुर के मालखाने से गायब हुआ 15 ग्राम सोना और 1200 ग्राम चांदी। किसी को नहीं पता पिछले 17 सालों में कब गायब हुआ यह मुकदमाती माल। नमस्कार, मैं हूं सीके सिंह और आप देख रहे हैं एएचएन न्यूज, बात देश की बात देश हित की। आगरा के जगदीशपुरा थाना परिसर में स्थित मालखाने से हुई चोरी की घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर किरकिरी की थी। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कानपुर के घाटमपुर कोतवाली के मालखाने से वर्ष 2003 में एक डकैती के मामले में बरामद 15 ग्राम सोना और 1200 ग्राम चांदी मालखाने से गायब हो गई। 2003 में जब यह माल कब गायब हुआ इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। माल मुकदमी गायब है यह जानकारी तब सामने आई जब अदालत में इसकी सुनवाई शुरू हुई। माल मुकदमाती गायब होने की जानकारी जब अदालत को मिली तो नाराज अदालत ने दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए डीजीपी आईजी कानपुर व कानपुर के एसपी आउटर को पत्र लिखा। वहीं माल मुकदमाती गायब होने की जानकारी से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चलें, कानपुर चित्रकूट रूट की पैसेंजर ट्रेन में 13 जून 2003 को डकैती पड़ी थी। ट्रेन में यात्रियों से मारपीट कर लूट की गई थी। बदमाश घाटमपुर में रेलवे क्रॉसिंग से पहले जहानाबाद रोड के पास ट्रेन से कूदकर भाग गए थे। इसमें तत्कालीन घाटमपुर कोतवाली के एसओ तेजपाल सिंह ने लूट की रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने घटना का खुलासा करते हुए फरुखाबाद के मेरापुर ब्रह्मपुर निवासी मुन्ना लाल, सूरजपाल, सुवरण, मोहर सिंह, मलखान, शिशुपाल, राजाराम, सर्वेश आदि 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी घुमंतू जात के लोग हैं। इनके पास से पुलिस ने लूट की 4 अटैची कपड़े व मंगलसूत्र, अंगूठी, झुमका, चैन व कान के बाला मिलाकर 15 ग्राम सोने व पायल, करधनी, हाथ फूल आदि 1200 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए थे। पुलिस ने सामान को सील कर मालखाने में सुरक्षित रखवाया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम कनिष्क कुमार सिंह की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने माल मुकदमाती तलब किया तो कोतवाली से मालखाने से में सामान न होने की सूचना भेजी गई। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडे ने बताया कि मालखाना से माल मुकदमाती कीमती जेवरात गायब हो जाना गंभीर विषय है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही जांच के लिए डीजीपी आईजी कानपुर व एसपी आउटर को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए हैं। इस मामले में खुलासा उस समय हुआ जब मुकदमे के विवेचक रहे तत्कालीन एसओ कोतवाली घाटमपुर तेजपाल सिंह, जो अब रिटायर हो चुके हैं, वह अपना बयान देने कल बुधवार को अदालत में पेश हुए। उन्होंने बुधवार को कोर्ट के समक्ष बयान दिया कि माल सील करके सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया था। अब सवाल यह है कि कोतवाली में 2003 से लेकर अब तक करीब 10 हेड मुहर्रिर बदल चुके हैं। जांच का विषय यह बनता है कि किस हेड मुहर्रिर ने जांच छोड़ते वक्त ये माल नहीं रिसीव कराया। पुलिस सूत्रों की माने तो कोतवाली में 2007 के बाद कई हेड मुहर्रिर ने कागजों में चार्ज लेकर मौके पर माल की गिनती नहीं की। उनमें से कई हेड मुहर्रिर रिटायर हो चुके हैं। वैसे इस प्रकरण की जांच फिलहाल तत्कालीन एसओ और तत्कालीन हेड मुहर्रिर पर केंद्रित है। अब देखना ये होगा कि मुकदमाती माल जो गायब हुआ है इस पर कोर्ट परिसर क्या कुछ कार्रवाई करती है या फिर से ये ऐसे ही मामले को दबा दिया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों और बड़ी खुलासों के लिए देखते रहिए अखंड हिंद न्यूज़, बात देश की बात देश की।